प्रिय विद्यार्थियों, हिंदी क्लास में आपका स्वागत है। आज हम आपकी पाठ्य पुस्तक सारांश का 10वां पाठ मेरी भक्ति यात्रा। आज हम इस पाठ के प्रश्नों का अभ्यास करेंगे। सबसे पहले हम पढ़ेंगे अर्थ ग्रहण संबंधी प्रश्न। आपकी परीक्षाओं में इस तरीके के प्रश्न अक्सर कर पूछे जाते हैं। निम्नलिखित गद्यांश को पढ़कर पूछे गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। इस तरीके से आपको एक गद्यांश दे रखा होता है, उसके नीचे कुछ प्रश्न दे रखे होते हैं। इस गद्यांश को 2-3 बार अच्छे तरीके से पढ़ा जाता है, फिर हम इनके नीचे जो प्रश्न दे रखे हैं हम उनका उत्तर दे पाते हैं। यूं तो भक्ति के प्रमुख आचार्य जगत गुरु शंकराचार्य थे, परंतु बाद में रामानुजाचार्य, बल्लभाचार्य, मध्वाचार्य ने भक्ति को दर्शन का आधार दिया। भक्ति का प्रचार करने के लिए दक्षिण में आलवार संत जुट गए, उत्तर में राम भक्ति और कृष्ण भक्ति के कई संप्रदाय स्थापित हुए। भक्ति धारा को दक्षिण से उत्तर में लाने का श्रेय रामानंद को है। पहला प्रश्न है, भक्ति के प्रमुख आचार्य कौन थे? भक्ति के प्रमुख आचार्य कौन थे? तो यहाँ पर इसका उत्तर दे रखा है, भक्ति के प्रमुख आचार्य जगत गुरु शंकराचार्य थे। भक्ति के प्रमुख आचार्य कौन थे? तो आप इसका उत्तर देंगे, जगत गुरु शंकराचार्य। क्या उत्तर लिखेंगे? जगत गुरु शंकराचार्य। दूसरा प्रश्न है, भक्ति को दर्शन का आधार देने का काम किस किस ने किया? भक्ति को दर्शन का आधार देने का काम किस किस ने किया? तो इसका उत्तर है, रामानुजाचार्य, बल्लभाचार्य, मध्वाचार्य ने भक्ति को दर्शन का आधार दिया। भक्ति को दर्शन का आधार देने का काम किस किस ने किया? तो आप इसका उत्तर देंगे, रामानुजाचार्य, बल्लभाचार्य और मध्वाचार्य ने किया। तीसरा प्रश्न है, दक्षिण में भक्ति के प्रचार में कौन जुट गए? दक्षिण में भक्ति के प्रचार में कौन जुट गए? तो दक्षिण में आलवार संत जुट गए। भक्ति का प्रचार करने के लिए दक्षिण में आलवार संत जुट गए। यहाँ पर हमें इस प्रश्न का उत्तर मिला है, भक्ति का प्रचार करने के लिए दक्षिण में आलवार संत जुट गए। तो आप इस प्रश्न का उत्तर देंगे, दक्षिण में भक्ति के प्रचार में कौन जुट गए? तो आप इसका उत्तर लिखेंगे, आलवार संत। क्या लिखेंगे? आलवार संत। चौथा प्रश्न है, रामानंद ने क्या काम किया? रामानंद ने क्या काम किया? तो आप इसका उत्तर देंगे, भक्ति धारा को दक्षिण से उत्तर में लाने का श्रेय रामानंद को है। इसका उत्तर कहाँ पर मिला? भक्ति धारा को दक्षिण से उत्तर में लाने का श्रेय रामानंद को है। तो इस प्रश्न का, रामानंद ने क्या काम किया? तो आप इसका उत्तर देंगे, रामानंद ने
भक्ति धारा को दक्षिण से उत्तर में लाने का काम किया। रामानंद ने भक्ति धारा को दक्षिण से उत्तर में लाने का काम किया। अब हम पढ़ेंगे बहुविकल्पी प्रश्न। आपको ये प्रश्न दे रखे हैं, इनके नीचे आपको चार विकल्प दे रखे हैं। जो विकल्प सही हो उस पर आपको सही का निशान लगाना है। जायसी किस धारा के प्रमुख कवि थे? जायसी किस धारा के प्रमुख कवि थे? तो आप इसका उत्तर देंगे सूफी काव्य धारा के। किस धारा के कवि थे? जायसी सूफी काव्य धारा के। दूसरा प्रश्न है, वैष्णव जन तो तेणे कहिए जो पीर पराई जाने रे। वैष्णव जन तो तेणे कहिए जो पीर पराई जाने रे, यानी कि वैष्णव संत उन्हें कहना चाहिए जो दूसरों के दुख दर्द और पीड़ा को जाने समझें, उन्हीं को वैष्णव संत कहना चाहिए या वैष्णव जन कहना चाहिए। गीत की रचना किसने की? वैष्णव जन तो तेणे कहिए जो पीर पराई जाने रे गीत की रचना किसने की? तो आप इसका उत्तर देंगे नरसी मेहता ने। किसने की इस गीत की रचना किसने की? नरसी मेहता ने। दूसरा प्रश्न है, आलवार संत किसके भक्त थे? आलवार संत किसके भक्त थे? आलवार संत किसके भक्त थे? तो आप इसका उत्तर देंगे ब्रह्मा के। किसके भक्त थे? ब्रह्मा के। चौथा प्रश्न है, बंगाल में भक्ति का काम किसने किया? बंगाल में भक्ति का काम किसने किया? तो आप इसका उत्तर देंगे कृतिदास ने। किसने किया? कृतिदास ने। अब हम पढ़ेंगे रिक्त स्थानों की पूर्ति करो। दक्षिण के विशाल मंदिरों के दर्शन करके मैं धन्य हो गया। तो इस रिक्त स्थान में आएगा, दक्षिण के विशाल के दर्शन करके मैं धन्य हो गया। तो इस रिक्त स्थान में आएगा विशाल मंदिरों के, दक्षिण के विशाल मंदिरों के दर्शन करके मैं धन्य हो गया। दूसरा प्रश्न है, दक्षिण में भक्ति का प्रचार करने में आलवार संत जुट गए। दक्षिण में भक्ति का प्रचार करने में आलवार संत जुट गए। तो इस रिक्त स्थान में आएगा आलवार। तीसरा प्रश्न है, संत ज्ञानेश्वर नामदेव एक नाथ तुकाराम की अभंग लोकप्रिय हैं। तो इसमें रिक्त स्थान में आएगा अभंग। चौथा प्रश्न है, तमिल भाषा में रामायण कंबन ने लिखी। तमिल भाषा में रामायण किसने लिखी? तो कंबन ने। तो रिक्त स्थान में आएगा कंबन। कंबन तमिल भाषा में रामायण कंबन ने लिखी। अब हम पढ़ेंगे व्याकरण से संबंधित प्रश्न। विशेषण विशेष्य छांटकर सामने लिखना है। ये वाक्य हमें दे रखे हैं, इनमें हमें ये बताना है कि विशेषण कौन सा शब्द है और विशेष्य कौन सा शब्द है। तो पहला प्रश्न है, यह मेरी पहली यात्रा नहीं थी। यह मेरी पहली यात्रा नहीं थी। तो यात्रा तो यहाँ पर विशेष विशेष्य है और पहली ये यात्रा की विशेषता है। तो पहली ये है, ये विशेषण है जो यात्रा की विशेषता बता रहा है और यात्रा यहाँ पर विशेष्य है। अगला है, मैंने दक्षिण में विशाल मंदिरों के दर्शन किए। तो मंदिर कैसे थे? विशाल थे। कैसे थे? विशाल थे। तो विशाल तो यहाँ पर विशेषण है जो ये विशेष्य की विशेषता बता रहा है कि मंदिर कैसे थे। तो विशाल यहाँ पर विशेषण है
और विशेष्य यहाँ पर मंद्रों हैं, मंद्रों यहाँ पर विशेष्य हैं और विशाल यहाँ पर विशेषण हैं। इसके बाद सभी भक्त कवि सम्माननीय हैं। तो भक्त कवि ये विशेष्य हैं क्योंकि यहाँ पर इनकी विशेषता बताई जा रही है कि ये सम्माननीय हैं, तो सम्माननीय विशेषण हैं और भक्त कवि ये विशेष्य हैं। अगला प्रश्न है, दक्षिण भारत में भव्य मंदिर हैं, तो विशेषण हैं दक्षिण और भव्य, दक्षिण और भव्य यहाँ पर विशेषण हैं और भारत और मंदिर यहाँ पर विशेष्य हैं क्योंकि इनकी विशेषता यहाँ पर बताई जा रही है। अगला प्रश्न है, सर्वनाम छांटो तथा उनका भेद बताओ। हमें ये वाक्य दे रखे हैं, इनमें हमें कौन सा शब्द सर्वनाम है और उसका भेद क्या है ये हमें बताना है। पहला प्रश्न है, मैं चेन्नई स्टेशन पर उतरा, तो मैं यहाँ पर सर्वनाम है जो पुरुषवाचक सर्वनाम है। पुरुषवाचक सर्वनाम के तीन भेद होते हैं, उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष। तो मैं यहाँ पर उत्तम पुरुष में आता है, किसमें आता है, उत्तम पुरुष में आता है। तो मैं चेन्नई स्टेशन पर उतरा, तो मैं यहाँ पर सर्वनाम है और पुरुषवाचक सर्वनाम है। इसी तरीके से उन्होंने भक्ति आंदोलन चलाया, उन्होंने यहाँ पर सर्वनाम है, पुरुषवाचक सर्वनाम का मध्यम पुरुष है। कौन सा पुरुष है, मध्यम पुरुष। उन्होंने भक्ति आंदोलन चलाया तो उन्होंने उन्होंने यहाँ पर सर्वनाम है और इसमें पुरुषवाचक सर्वनाम है। तीसरा प्रश्न है, वे मूर्ति पूजा का विरोध करते थे, वे मूर्ति पूजा का विरोध करते थे। तो वे यहाँ पर वे अन्य पुरुष हैं और ये अन्य पुरुष हैं वो पुरुषवाचक सर्वनाम के अंतर्गत आता है। तो वे यहाँ पर सर्वनाम हैं और ये पुरुषवाचक सर्वनाम है। अगला प्रश्न है, कौन रचना कर रहा था, कौन रचना कर रहा था। तो कौन यहाँ पर सर्वनाम है और ये प्रश्नवाचक सर्वनाम है। अगला है, किसी ने विरोध नहीं किया, तो किसी यहाँ पर सर्वनाम है और ये अनिश्चयवाचक सर्वनाम है। कौन सा सर्वनाम है, अनिश्चयवाचक सर्वनाम है। अगला प्रश्न है, उपसर्ग और प्रत्यय बताना है। ये हम पढ़ चुके हैं कि वे शब्दांश जो किसी शब्द के प्रारंभ में जुड़कर उसके अर्थ में परिवर्तन कर देते हैं या विशेषता लाते हैं या बतलाते हैं उन्हें उपसर्ग कहते हैं। प्रत्यय वे शब्दांश जो किसी शब्द के अंत में जुड़कर उसके अर्थ में परिवर्तन या विशिष्टता लाते हैं उन्हें प्रत्यय कहते हैं। ये हम पढ़ चुके हैं। तो विभाजित में वी उपसर्ग है और इत यहाँ पर प्रत्यय है। इसी तरीके से परिवेश में परि उपसर्ग है और इसमें प्रत्यय नहीं है क्योंकि परिवेश वेश यहाँ पर मूल शब्द है और परि यहाँ पर उपसर्ग है। इसी तरीके से प्रोत्साहित, तो यहाँ पर पे उपसर्ग है और इत यहाँ पर प्रत्यय है, प्रे उपसर्ग है, इत यहाँ पर प्रत्यय है। इसी तरीके से संपूर्ण, संपूर्ण में सम उपसर्ग है और इसमें प्रत्यय नहीं है। इसी तरीके से रोचकता, रोचक यहाँ पर मूल शब्द है, इसमें कोई उपसर्ग नहीं है और ता यहाँ पर प्रत्यय है। इसी तरीके से सगुण, सगुण में स उपसर्ग है और गुण मूल शब्द है, अर्थात इसमें प्रत्यय नहीं है, केवल से उपसर्ग जुड़ा हुआ है। इसी तरीके से संस्कृति, संस्कृति में सम उपसर्ग है, जिस वर्ण के ऊपर यदि अनुस्वार लगा होता है, अंकी बिंदी लगी होती है, तो वो अंकी बिंदी में बदल जाती है, आधे में बदल जाती है, इसलिए संस्कृति में उपसर्ग है सम और प्रत्यय इसमें नहीं है क्योंकि क्योंकि कृति, कृति ये एक मूल शब्द है। निर्गुण, निर्गुण में निर उपसर्ग है और गुण यहाँ पर मूल शब्द है, इसलिए इसमें
प्रत्यय नहीं है, केवल उपसर्ग जुड़ा हुआ है। इसी तरीके से प्राकृतिक, प्राकृतिक में एक प्रत्यय लगा हुआ है, प्रकृति मूल शब्द है, प्रकृति मूल शब्द है, इसलिए इस ये मूल शब्द है, इसलिए इसमें उपसर्ग नहीं है और इसमें प्रत्यय लगा हुआ है, एक प्रत्यय लगा हुआ है या जुड़ा हुआ है। इसी तरीके से सांस्कृतिक, सांस्कृतिक तो संस्कृति मूल शब्द है, इसमें कोई उपसर्ग नहीं है और एक यहाँ पर प्रत्यय लगा हुआ है या जुड़ा हुआ है। इसी तरीके से धार्मिक, धर्म, धर्म यहाँ पर मूल शब्द है और एक इसमें प्रत्यय लगा हुआ है, तो इसमें उपसर्ग, धार्मिक में उपसर्ग नहीं है, केवल प्रत्यय है, एक प्रत्यय है। इसी तरीके से पांचवा प्रश्न है संधि विच्छेद, तो वल्लभाचार्य का संधि विच्छेद होगा वल्लभ प्लस आचार्य, शंकराचार्य का संधि विच्छेद होगा शंकर प्लस आचार्य, इसी तरीके से रामानंद का संधि विच्छेद होगा राम प्लस आनंद, इसी तरीके से रामानुजाचार्य का संधि विच्छेद होगा राम प्लस अनुज प्लस आचार्य, क्या संधि विच्छेद होगा रामानुजाचार्य का राम प्लस अनुज प्लस आचार्य। अब हमें वाक्य बनाना है, जैसे परिवेश शब्द दे रखा है तो हमें इस शब्द का प्रयोग करते हुए हमें एक वाक्य बनाना है, जैसे यहाँ पर मैंने बना रखा है अच्छे परिवेश में पढ़ाई होती है, अच्छे परिवेश में पढ़ाई होती है, तो ये परिवेश शब्द को हमने प्रयोग में लेते हुए या करते हुए ये वाक्य बनाया है। इसी तरीके से अगला है प्रतीत, मुझे प्रतीत हुआ कि वह चला गया है, मुझे प्रतीत हुआ कि वह चला गया है। इसी तरीके से यहाँ पर है दर्शन, दर्शन का प्रयोग करते हुए हम वाक्य बनाएंगे मैंने भगवान के दर्शन किए, मैंने भगवान के दर्शन किए। इसी तरीके से अगला है भरसक, मैं भरसक प्रयास कर रहा हूँ, मैं भरसक प्रयास कर रहा हूँ। इसी तरीके से अगला है भव्य, यह भव्य मंदिर है। इस तरीके से आज हमने इस पाठ के ग्रामर या व्याकरण से संबंधित प्रश्नों का और पाठ से संबंधित प्रश्नों का विस्तार पूर्वक विधिवत रूप से अध्ययन कर लिया है। आप भी घर पर इन्हें पढ़ें, इन्हें याद करें और इन सभी प्रश्नों को अपनी उत्तर पुस्तिका में लिपिबद्ध करें, ताकि आपकी परीक्षाओं में इनसे संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं तो आप बड़ी सरलता और सुगमता के साथ उनका उत्तर दे सकते हैं। आज के लिए इतना ही, शेष कल पढ़ेंगे। थैंक यू।